नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस के प्री में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में। लोकपाल करके एक टॉपिक दिया हुआ है, आपको ये पढ़ के जाना है। पॉलिटी सेक्शन में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बात कर लेते हैं लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की। इससे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। सबसे पहले तो क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है इंडिया में 1966 और 70 के दौरान, ठीक है। वो रिकमेंड करता है कि भाई साहब दो स्पेशल अथॉरिटीज बनाई जाए, एक तो लोकपाल बनाया जाए और एक लोकायुक्त बनाया जाए, जिससे कि जो आम पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं यानी कि उनकी जो शिकायतें हैं उनको सुना जा सके, उनको दूर किया जा सके या उनको दूर करने के प्रयास किए जा सके। इस कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि लोकपाल तो डील करेगा उन कंप्लेंट्स को जो कि होगी मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के खिलाफ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, और दो लोकायुक्त बनेंगे, एक सेंट्रल लेवल पर और एक बनेगा स्टेट लेवल पर, और वो डील करेंगे अगर कंप्लेंट किसी हायर ऑफिशियल के अगेंस्ट हो तो उसके लिए। अब भाई साहब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है एआरसी की इन रिकमेंडेशन को, और उसके बाद 10 अटेम्प्ट किए जाते हैं इस एक्ट को लाने के लिए। सबसे पहला अटेम्प्ट तो हमने कर लिया था 1968 में ही, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की तब। 1968 से लेकर 2011 तक कुल 10 अटेम्प्ट किए जाते हैं कि भाई ये एक्ट हो जाए पास, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भाई साहब आते हैं अन्ना हजारे जी और उन्होंने किया आंदोलन कि लोकपाल लाया जाए। लाना ही था एक्ट तो, अब एक्ट को पास होना था। तो दिसंबर 2011 में वापस यूपीए गवर्नमेंट ने, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने लोकसभा में ये एक्ट वापस रखा। कोई भी राजनेता ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई साहब उसके खिलाफ हो जाए इंक्वायरी, इसलिए सब ने, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सब ने, रूलिंग पार्टी का तो मन नहीं था इसको लाया जाए, पर वो बिना मन के इस काम को कर रहे थे, और जो अपोजिशन पार्टी थी उसमें भी पॉलिटिशियन नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी बैठने का, ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया जाए, ऐसा कोई एक्ट हो जिससे कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो जाए, तो इसलिए इनको लग गए 10 अटेम्प्ट। और उसके बाद दिसंबर 2011 में जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो इसको लोकसभा में एक बार वापस रखा गया और इस बार इनको पारित करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम अन्ना हजारे ने एक आंदोलन कर दिया था, तो इनको लगा कि भाई साहब देश में हो जाएगा बड़ा आंदोलन, अब तो ये एक्ट पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, और ये फोर्स में आता है 16 जनवरी 2014 को, जब इस पे करे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस पे साइन कर दिए और ये एक्ट आ गया फोर्स में। अब बात कर लेते हैं एक्ट की, तो इस एक्ट के आने से क्या क्या हुआ हम वो बात कर लेते हैं। इस एक्ट ने कहा कि भाई दो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, एक तो बनेगा लोकपाल, वो बनेगा सेंट्रल लेवल पे, और दूसरा बनेगा लोकायुक्त, वो बनेगा स्टेट लेवल पर। अब इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं लोकपाल। अब बात करते हैं कि भाई लोकपाल किस किस की जांच कर सकता है। तो लोकपाल जांच कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की, कर सकता है किसी भी मिनिस्टर की, कर सकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कर सकता है, और अगर ग्रुप ए बी और सी डी के अगर ऑफिसर्स हैं उनकी भी ये जांच कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर की ये जांच कर सकता है। अब बात करते हैं कि भाई लोकपाल में लोग कितने होंगे, यानी कि चेयरमैन के सहित कितने मेंबर होंगे जो जांच करेंगे। तो लोकपाल में एक तो होगा भाई सब चेयरमैन, और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि एक चेयरमैन होगा लोकपाल में और 8 मेंबर्स हो सकते हैं, और एक कंडीशन उसमें भी दे दी गई कि भाई 50% मेंबर्स होने चाहिए जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी कि भाई साहब जो टोटल मेंबर्स होंगे लोकपाल में उनमें से 50% होने चाहिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और महिलाओं में से, ठीक है, बात समझ में आ गई। टोटल के 50% होने चाहिए जुडिशियल मेंबर, और टोटल के 50% में होने चाहिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और महिलाएं। अब बात आती है कि भाई साहब इन मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, प्रॉब्लम तो ये हो गई। तो एक बनाई गई सिलेक्शन कमेटी, वो सिलेक्शन कमेटी करेगी इन मेंबर्स का सिलेक्शन। अब उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, तो उस सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यानी कि अपोजिशन पार्टी के जो लीड कर रहे होंगे लोकसभा में उस टाइम, वो भी इसमें पार्ट होंगे, और होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब भाई साहब इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तो पहले ही बहुत सारे केस हैं, वो कहां से आएंगे हर इनकी सिलेक्शन कमेटी में। अब इन्होंने क्या प्रावधान रखा कि भाई साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आ पाते हैं तो उनकी जगह आएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि नॉमिनेट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और दूसरे आएंगे एक इमिनेंट जूरिस्ट होंगे जिसको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, और वो भी किन के कहने पर नॉमिनेट करेंगे कि जो फर्स्ट 4 मेंबर होंगे इसमें, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस, ये चारों रिकमेंड करेंगे कि भाई एक ये चीफ
एक ये इमिनेंट जुरिस्ट है, इनको भी इस कमेटी में ले लिया जाए। तो ये सिलेक्शन करेंगे कि भाई साहब लोकपाल में मेंबर कौन कौन होने चाहिए। अब इन्होंने कहा कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ढूंढने जाएगा इनको, ये प्राइम मिनिस्टर इन सबके पास तो पहले ही बहुत काम है, इनको ढूंढेगा कौन, इन मेंबर्स को ढूंढेगा कौन। तो इन्होंने बनाई साहब एक सर्च कमेटी बना दी जो कि ढूंढेगी जो 50% मेंबर्स हमें एससी एसटी ओबीसी और वोमेन कैटेगरी के रखने हैं उनको ये ढूंढेंगी सर्च कमेटी। अब बात आता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को तो ले लिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर की जांच हो सके, पर भाई साहब प्राइम मिनिस्टर तो है बहुत बड़ा पद, मतलब इज्जत वाली बात हो जाती है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जांच होगी। तो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो जांच तो हो सकती है, पर उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स दे दिए गए कि भाई इस पर्टिकुलर मैटर होगा, ऐसे ऐसे कुछ मैटर होंगे तभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जांच होगी, और उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस दिया गया जिससे कि प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी डिग्निटी को भी मेंटेन किया जा सके, उनकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए भाई अगर कभी जांच करवा दे कोई। तो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत रह जानी चाहिए, देश की इज्जत है, ये वाली बात समझ के कि भाई प्राइम मिनिस्टर की इज्जत रह जाए इन्होंने उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर दिए। अब लोकपाल जांच कैसे करेगा, लोकपाल में तो 8 मेंबर बना दिए, ये कैसे कैसे जांच कर सकता है इसके प्रोसेस को हम पहले समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो हम देख ही चुके हैं कि उनके लिए तो बना दिया कि स्पेशल प्रोसेस, अब बात कर लेते हैं आगे क्या होगा। अभी हमने बात करी थी कि ये ग्रुप एबीसीडी के ऑफिसर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। लोकपाल पहले क्या करेगा कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको भेजेगा, कंप्लेंट को रेफर करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल एक टॉपिक दिया गया आरएस प्री में, पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तब के लिए छोड़ देते हैं। अभी आप ध्यान में रखो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है उसको लोकपाल भेज देता है अपनी कंप्लेंट भेज दी भाई। तो अब सीवीसी क्या करेगा, सीवीसी करेगा अगर ए और बी ग्रुप के ऑफिसर हैं तो उन ए और बी ग्रुप के ऑफिसर्स की जो कंप्लेंट होंगी उनको सीवीसी एक रिपोर्ट बनाएगा, और ये जो पार्लियामेंट्री इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को ये वापस भेजेगा लोकपाल को फर्दर डिस्कशन के लिए। और अगर ग्रुप सी और डी के ऑफिसर्स हैं तो उनके केस में सीवीसी क्या करेगा, सीवीसी अपनी पावर्स को यूज में लेगा और उनके खिलाफ एक्शन लेगा या फिर उनकी जांच कर सकता है, और ये पावर्स उसको मिलती है सीवीसी एक्ट के द्वारा। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में देख लेंगे। अब लोकपाल को इन्होंने एक और पावर दी, लोकपाल को एक और पावर मिली कि वो किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई को भी सुपरिटेंडेंस कर सकता है, यानी कि अगर लोकपाल कोई केस सीबीआई को देता है तो ये लोकपाल उसमें भी देख सकता है कि भाई सीबीआई ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सीबीआई का डायरेक्टर चुनती है एक हाई पावर्ड कमेटी जिसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। अब इन्होंने कुछ टाइम लिमिट्स भी सेट करी कि भाई लोकपाल कितने टाइम में किस चीज इस केस को सॉल्व करेगा, या फिर वही अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह केस चलते रहेंगे 30-30 साल, कितना टाइम लगाएगा लोकपाल। जो टाइमलाइन है उसकी बात कर लेते हैं, तो पार्लियामेंट्री इंक्वायरी के लिए 3 महीने लगा सकता है लोकपाल, और उसको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए ही एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरी बात हुई अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि कोई ऐसा केस आया जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है, तो उसमें लोकपाल ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगा सकता है, और 6 महीने ही और एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, यानी कि 1 साल में तो लोकपाल को भाई साहब केस सोल्व करके देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई ट्रायल होता है, यानी कि भाई कोर्ट वोर्ट जाने जैसी नौबत आ गई, तो उसके केस में लोकपाल 1 साल ले सकता है, और 1 साल ही इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। 2 साल के अंदर मैक्सिमम लोकपाल किसी भी केस को सॉल्व करेगा, ये उसके लिए टाइमलाइंस रख दी गई हैं। अब बात करते हैं भाई साहब पनिशमेंट कितनी देगा, तो मैक्सिमम पनिशमेंट और मिनिमम पनिशमेंट दो ही चीजों की बात करते हैं। तो मैक्सिमम पनिशमेंट लोकपाल दे सकता है वो देगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और वो होगी 10 साल की। पहले 7 साल होती थी ऐसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और अब होती है 10 साल की। उसके बाद मिनिमम कितनी सजा देगा लोकपाल, तो मिनिमम सजा देगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अगर सेक्शन 7, 8, 9 और 12 में के अंडर कोई क्राइम होता है या कोई फ्रॉड होता है तो उसके केस में लोकपाल देगा 3 साल की सजा, और अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 15 के तहत कोई क्राइम होता है या कोई फ्रॉड होता है तो उसके केस में लोकपाल 2 साल की सजा देगा मिनिमम। अब कोई इंस्टीट्यूशन है जो फुली और पार्शियली गवर्नमेंट का है वो तो लोकपाल के अंडर में आ गया, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ गवर्नमेंट की मदद से चल रहा है तो उस पर लोकपाल जांच नहीं कर सकता है, ये एक एक्सक्लूजन है लोकपाल से छोड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि जो ऑनेस्ट और अपराइट पब्लिक सर्वेंट है उनको इनफ प्रोटेक्शन भी दी गई है, एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी दी गई है कि भाई साहब उनके खिलाफ अगर फ्रॉड अगर फालतू की कंप्लेंट आई और कंप्लेंट अगर साबित नहीं हुई तो
जो कंप्लेंट करेगा एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। और लोकपाल को पावर भी दी गई, अगर उस अधिकारी के खिलाफ जो चार्जेज हैं या कोई कंप्लेंट है वो सही पाई गई तो लोकपाल उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, यानी कि उस पर अभियोग चला सकता है। कोई भी एंटिटी अगर इंडिया में किसी फॉरेन सोर्स से 10 लाख से ज्यादा का डोनेशन रिसीव करती है तो भाई साहब लोकपाल उस पर जांच कर सकता है, अगर 10 लाख से ज्यादा का डोनेशन कोई भी एंटिटी इंडिया में ले रही है तो। और इसी एक्ट में है कि भाई साहब सारे स्टेट्स को लोकायुक्त सेटअप करने हैं 1 साल के अंदर, यानी कि ये एक्ट जो पास हुआ है उसके 1 साल के अंदर। वैसे तो ज्यादातर स्टेट्स ने पहले ही लोकायुक्त बना रखे थे, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया है उनको भी 1 साल के अंदर लोकायुक्त बनाने हैं इस एक्ट के पास होने के 1 साल के अंदर। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें मतलब क्या कमियां रह गई, कोई भी एक्ट एक बार में तो परफेक्ट बन नहीं सकता, तो इसमें क्या कमियां रह गई हैं? तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी है कि लोकपाल क्या कर सकता है कि कंप्लेंट आएगी तो ही किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एक्शन लेगा, कंप्लेंट नहीं आई तो वो स्वेच्छा से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। यानी कि ये लोकपाल में कंप्लेंट पे फोकस किया गया है कि भाई साहब किसी खिलाफ शिकायत आती है तो ही हम कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे हमें खूब दिख रहा हो कि वो करप्ट है। उसके बाद अगर झूठी कंप्लेंट आ गई या किसी को आपने फंसाने के लिए ऐसा कर दिया फंसाने के इरादे से, तो इसमें हैवी पनिशमेंट भी है, तो आदमी डर के मारे ही नहीं करेगा लोकपाल में, तो डर के मारे ही नहीं जाएगा कि भाई साहब अगर गलत साबित हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें अनोनिमस कंप्लेंट अलाउड नहीं है, यानी कि आप बिना नाम से कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई एक पेपर लिया और उस पर लिख दिया कि ये आदमी है, ये ऑफिसर है और ये मिनिस्टर है, इसके खिलाफ मेरे को ये कंप्लेंट है और ये इसने ऐसे पैसा लिया वैसे पैसा लिया, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। पूरे प्रॉपर प्रोसीजर से आपको जाना पड़ेगा तभी कंप्लेंट दर्ज करी जाएगी। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसको लीगल असिस्टेंस मिलती है कि भाई उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और उसको वकील वगैरह करके देती है लोकपाल। और इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके 7 साल के अंदर ही ये कंप्लेंट की जा सकती है। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई साहब कोई 10 साल पुराना या फिर 8 साल पुराना फ्रॉड उठा लिया और उस पर आपने कंप्लेंट कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक लिमिटेशन है कि आप 7 साल के अंदर अंदर ही कोई फ्रॉड हुआ है उसको ही उसके ऊपर ही केस कर सकते हैं। और दूसरी और लास्ट और जो मेजर कमी मेरे को लगती है वो ये है कि इसमें जो प्रोसेस है जो कंप्लेंट्स को डील करने का, जो पीएम के अगेंस्ट जो प्रोसेस रखा गया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं लगता। यानी कि पीएम के खिलाफ इन्होंने नाम ही लिखा है कि भाई पीएम के खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर जो प्रोसेस है वो बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट से ही है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब हम लोकायुक्त की। लोकपाल हमने अच्छे से पढ़ लिया है, लोकपाल हमको खूब अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोकायुक्त की बात कर लेते हैं जो कि है स्टेट लेवल पर। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 से पहले ही ज्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने लोकायुक्त बना दिए थे। सबसे पहला लोकायुक्त बना था महाराष्ट्र में 1971 में, हालांकि उड़ीसा ने इससे रिलेटेड एक्ट था उसको 1970 में पास कर दिया, लेकिन जो इनका लोकायुक्त जो बना वो 1983 में बना। 2013 तक 21 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी जो कि थी दिल्ली, उन्होंने पहले ही लोकायुक्त बना दिए थे। अब ये उन 21 स्टेट्स की लिस्ट है जिनमें लोकायुक्त बन गए हैं और किस किस स्टेट ने कब कब बनाया, तो भाई साहब महाराष्ट्र में ही बनाए सबसे पहले इन्होंने एक्ट। ओडिशा में एक्ट जरूर आ गया था लेकिन लोकायुक्त महाराष्ट्र में ही बनाए सबसे पहले 1971 में, भारत में पहला लोकायुक्त बना और वो बनाया महाराष्ट्र ने। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, क्योंकि हम आरएस की एग्ज़ाम की बात करें तो राजस्थान की बात नहीं करेंगे तो भाई साहब पूरी नहीं होगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकायुक्त बन गया था 1973 में ही। 2013 के इस एक्ट के आने से 40 साल पहले राजस्थान में लोकायुक्त बना दिया गया था। अब बात कर लेते हैं लोकायुक्त के स्ट्रक्चर की। तो लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर है वो सब जगह सेम नहीं है, पहली बात तो आप ये जान लो। कहीं कहीं तो सिर्फ लोकायुक्त बना रखा है और कहीं कहीं लोकायुक्त और उसके साथ ही उप लोकायुक्त भी बना रखे हैं। जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकायुक्त भी बना रखा है और उप लोकायुक्त भी बना रखा है। उसी के साथ ही अगर बात करें बिहार, यूपी और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ लोकायुक्त हैं, और पंजाब और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे तो अभी भी इनको लोकपाल ही बोल रहे हैं। तो अब तो राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान का याद कर रख लो कि भाई साहब राजस्थान में लोकायुक्त भी है और उप लोकायुक्त भी है। अब अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं कि लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है, तो लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, यानी कि उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो लोकायुक्त को अपॉइंट करेंगे, और ज़्यादातर केस में वो सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस से जो कि उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे। और दूसरे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उनकी उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो विधानसभा है उसमें जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उससे राज्यपाल सलाह लेके लोकायुक्त को अपॉइंट कर देते हैं।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई साहब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कहीं पे कुछ चल रहा है कहीं पे कुछ चल रहा है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। राजस्थान में तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। अब बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो ज़्यादातर स्टेट में क्या है कि 5 साल का टेन्योर है और मैक्सिमम 65 साल की एज, और इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो हो जाता है लोकायुक्त का कार्यकाल। और एक जो स्पेसिफिक कंडीशन देखी गई है वो ये है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के सेकेंड टर्म के लिए, यानी कि लोकायुक्त को दूसरी टर्म नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब लोकायुक्त जो है वो जांच किस किस की कर सकता है, लोकायुक्त किसकी जांच कर सकता है। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की जांच कर सकता है लोकायुक्त। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा की, और इन स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर को दिया है एक्सक्लूजन कि भाई साहब लोकायुक्त राजस्थान में और इन स्टेट्स में जांच नहीं कर सकता है चीफ मिनिस्टर की। मिनिस्टर और हाई सिविल सर्वेंट होंगे उनकी जांच ज़्यादातर केसेस में लोकायुक्त कर सकता है, ज़्यादातर स्टेट में ऐसा ही है। इसमें महाराष्ट्र ने एक चीज़ और ऐड कर दी। महाराष्ट्र ने कहा कि आप हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनकी भी जांच कर सकते, फॉर्मर जो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं उनकी भी आप जांच कर सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, राज्य विधानसभा के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो MLA हैं, उनके खिलाफ जाँच हो सकती है आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में। और उसके अलावा कोई भी लोकल बॉडी होगी, उसके जो अथॉरिटीज़ होंगी उनकी तो भाई साहब सबकी जांच हो सकती है, बचेंगे तो सिर्फ पॉलिटिशियंस ही। ज़्यादातर स्टेट में ऐसा है, यहाँ पे लोकपाल से थोड़ा अलग है। लोकपाल तो क्या करता था कि स्वेच्छा से कभी भी कोई एक्शन नहीं लेता था, लेकिन लोकायुक्त एक्शन ले सकता है, स्वेच्छा से भी ले सकता है और कंप्लेंट पे भी ले सकता है। राजस्थान में ऐसा ही है कि लोकायुक्त स्वेच्छा से भी ले सकता है और कोई कंप्लेंट पे भी एक्शन ले सकता है। लेकिन कुछ स्टेट हैं जिनमें लोकायुक्त स्वेच्छा से कोई एक्शन नहीं ले सकता, उनमें है UP है, हिमाचल प्रदेश और आसाम, ऐसे स्टेट हैं इंडिया में उनमें लोकायुक्त स्वेच्छा से कोई एक्शन नहीं ले सकता। लोकायुक्त ग्रीवेंस पे भी एक्शन ले सकता है, और अगर उसकी कोई एलिगेशन होगा यानी कोई शिकायत होगी उस पे भी ऐसा एक्शन ले सकता है, और एलिगेशन लगेंगे यानी कि कोई आरोप लगेंगे तो उन पर भी एक्शन ले सकता है। ज़्यादातर स्टेट में ऐसा ही है। राजस्थान में लोकायुक्त एक्शन ले सकता है सिर्फ एलिगेशन होंगे, अगर करप्शन के एलिगेशन होंगे तो ही लोकायुक्त एक्शन ले सकता है। और लोकायुक्त क्या करता है, लोकायुक्त अपनी जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है वो हर साल भेजता है गवर्नर को। लोकायुक्त की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि राज्य की जो विधानसभा है उसको लोकायुक्त की उसके लिए भाई जवाब देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है लोकायुक्त। तो ये हो गए हमारे आज के टॉपिक, लोकायुक्त और लोकपाल आपको समझा दिया है। लोकपाल तो सिंपल सा है, लोकायुक्त में हर स्टेट में अलग अलग है, आपको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में याद रख लेना है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयराम जी।